हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। गाइज, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट सर्वाइवल गेम्स फॉर एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस। जो गाइज, सभी के सभी गेम एकदम ओपन वर्ल्ड होने वाले, साथ में आप इनके अंदर एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी कि एक सर्वाइवल गेम होने वाले, सभी के सभी सर्वाइवल गेम होने वाले। गाइज, आप इनके अंदर, आप लोग को इनके अंदर सर्वाइव करना है, एनिमल्स को मारना है, उनके मतलब फूड कलेक्ट करके खाना है, यानी कि सर्वाइव करना है। कुछ गेम में आपको डायनासोर देखने को मिलेगा, कुछ गेम्स में आपको गन्स भी देखने को मिलेंगी, कुछ में आपको ऐसे पुराने जमाने वाले भी देखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टिंग। लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। गाइस, गेम काफी जबरदस्त होने वाला है। गेम में आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको इस गेम के अंदर व्हीकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। आपको गाइस ये गेम एकदम मल्टीप्लेयर होने वाला है, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, यानी कि आप जहाँ पे भी खेलोगे सर्वर पे आपके साथ रियल प्लेयर होने वाले, जिनसे आपकी फाइट भी हो सकती है। आप इस गेम के अंदर क्राफ्टिंग भी कर सकते हो, बिल्ड भी कर सकते हो, यानी कि इस गेम के अंदर आपको पूरा सर्वाइव करना है, जिसमें आपको बिल्ड भी करना है, अपना एक छोटा सा बेस भी तैयार करना है, साथ में उसी के अंदर अपना बेड वेड रखना है। आप खाने पीने के लिए एनिमल्स को भी मार सकते हो, गेम के अंदर बहुत सारे एनिमल देखने को मिल जाएंगे, और जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होगा आपकी मतलब रेसिपी लोग खोज देंगे, आप गन्स भी क्राफ्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आप अपने जो है और प्लेयर्स उनके साथ फाइटिंग भी कर सकते हो, और जो लास्ट रहेगा वो इस गेम का विनर। लास्ट डे ऑन अर्थ सर्वाइवल। गाइज, गेम काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी लोग इस गेम के बारे में जानते हैं। गाइज, गेम में आपको इस गेम के अंदर सर्वाइव करना होता है, आपका मतलब कि अर्थ पे एक अननोन वायरस फैल जाता है, जिससे कि सभी के सभी लोग जोम्बीज बन जाते हैं, जिनसे आपको बचना होता है, सर्वाइव करना होता है। यहाँ पे अर्थ पर आपको पेड़ काट कर मतलब क्राफ्टिंग करनी होती है, आप अपना बेस भी तैयार कर सकते हो, यानी कि अपना घर बना सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, और साथ में बहुत कुछ चीज़ें भी कर सकते हो। तो आपको आपको जोम्बीज से फाइट करना, आपको इसके अंदर वेपन्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपको एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे गेम में, और जोम्बीज भी है, यानी कि गेम एकदम मस्त होने वाला है। एक बार गेम को जरूर ट्राई करना, मैं खुद इसको प्ले करता हूँ, आप भी प्ले करना। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा सभी के सभी गेम का, और जिनसे अगर कुछ गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ गेम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिंक को चेकआउट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हमारे सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। प्रोजेक्ट स्टार। गाइज, गेम काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। गाइज, इस गेम के अंदर आपको अलग गैलेक्सी के अंदर अलग प्लैनेट के अंदर सर्वाइव करना होता है, यानी कि आप सोच सकते हो कि अलग प्लैनेट के अंदर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, यानी कि आर्ट जैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ डिफरेंट होने वाला है, यानी कि पेड़ वेड स्टोन वन वही देखने को मिलेगा, यानी कि गाइज गेम एकदम मस्त होने वाला है। गेम के अंदर आपको सर्वाइव करना है, और इस गेम के अंदर भी आप नए बेस बना सकते हो, जैसे कि सभी सर्वाइवल गेम्स के अंदर होता है, यानी कि आप इसके अंदर आपको डिफरेंट टूल देखने को मिलेगा, जैसा आपने नॉर्मल गेम में देखा होगा कि आप स्टोन वन या फिर कुछ भी माइन करते हो तो आपको हाथ से माइन करना है, बट इसके अंदर आपको उसके लिए स्पेशल गन्स टाइप में, मेरे को नहीं था क्या है गन है या क्या है, वो टूल दिया जाएगा, जिससे कि आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिससे कि आपको स्टोन वुड सॉइल ये सब आपको माइन करना है, वुड को कट करना है, सॉइल कलेक्ट करना है, इस सब का चीजों का यूज करना है। फिलहाल गेम लॉन्च नहीं हुआ, गेम जल्दी लॉन्च होगा, तो जब भी लॉन्च होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो अभी तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फिलहाल गेम अभी तक बीटा वर्जन में भी नहीं आया है, लेकिन कि आ तो गया है बीटा वर्जन में, बट अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। वैसे तो गेम गाइस आ गया, बट अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको अभी प्ले करना तो आप गाइस अभी जाकर के किसी यूट्यूबर से आप ले सकते हो, उनके पास आप जरूर से अवेलेबल होगा गेम, अगर आपको मिले तो जरूर से प्ले करना। चलिए बढ़ते वाली नेक्स्ट गेम की तरफ। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। गाइज, इस गेम को आप जरूर से जानते होगे, नहीं जानते तो गाइज आज जान जाओगे। ये गेम को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देखने को मिल जाता है। ये गेम आपको पीसी और एंड्रॉइड पे दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा। गेम पेड है, बट आप इसको फ्री में डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। गेम के अंदर गाइज आपको सर्वाइव करना होता है, यानी कि आपकी जोम्बी से ही फाइट होती है। गेम को एंड करने के लिए आपको एंड्रो ड्रैगन नाम के एक ड्रैगन को मारना होता है, जिससे कि आपका गेम एंड हो जाएगा, बट ये गेम फिर भी एंड होगा, फिर भी आप गेम को पूरा प्ले कर सकते हो, अपना बेस बना सकते हो, जितना बड़ा आप चाहे उतना बड़ा बेस बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस एकदम वर्ल्ड इसका पूरा मैप होने वाला है। फार्मिंग कर सकते हो आप इस गेम के अंदर, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉब देखने को मिल जाते हैं, और इस गेम के अंदर अभी फिलहाल बहुत बड़े बड़े अपडेट आए, 1.19 के 1.19 13.2, यानी कि बहुत बड़े गेम और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा, और फ्यूचर में भी अब इसके अंदर अपडेट पे काम चल रहा है, यानी कि इंस्टाग्राम पे मैंने इसको देखा था कि और भी इसके अंदर यानी कैमल वैमल भी ऐड होने वाले हैं। गेम को आप जरूर ट्राई करना, और गाइस गेम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो अपने वर्ल्ड में, या फिर उनके वर्ल्ड में आप ज्वाइन कर सकते हो, सर्वर में आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि गेम के अंदर आपको पूरा माइनिंग भी करना होता है, जिससे कि आपको कलेक्ट होंगे डायमंड, कलेक्ट होंगे नेदरराइट आपको नेदर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कुछ ऐसा गेम है, गेम को और जरूर से ट्राई करना, लिंक इन कमेंट बॉक्स।
आर्क सर्वाइवल गेम। सबसे पहले बता दूं कि गेम का साइज बहुत ज्यादा होने वाला है, 2.5 GB के आसपास होने वाला है। 6 GB रैम वाले इस गेम को इजीली अपने डिवाइस में प्ले कर पाएंगे। गेम के ग्राफिक काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं, यानी कि एकदम रियलिस्टिक। जब आप जो गेम प्ले देख पा रहे हो इसी गेम का गेम प्ले, गेम के अंदर आपको बहुत बड़ा एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम के अंदर आपको डायनासोर देखने को मिल जाएगा जिनसे कि आपको बचना होता है, सर्वाइव करना होता है। आप आप डायनासोर को पेट भी बना सकते हो, यानी कि उनको टेम कर सकते हो। गेम का इसको काफी ज्यादा अमेजिंग है गेम, एक बार जरूर से ट्राई करना। आपको बहुत सारे डायनासोर देखने को मिल जाएंगे गाइस इस गेम के अंदर। गेम का इस पीसी और मोबाइल दोनों के लिए है, और गाइस ये फिलहाल मैं भी मोबाइल वाला है। और गाइस इसके अंदर आपको ढेर सारे वेपन्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप फाइट कर सकते हो। गेम आप ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हो, सर्वर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ भी गेम को प्ले कर सकते हो। गेम को जरूर से ट्राई करना। ग्राफिक क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस ग्राफिक क्वालिटी की तो भाई मैं क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा इसकी एकदम मतलब भाई एकदम ऐसा रियल जैसा पीसी में आप खेलोगे ना वैसा एकदम फील आने वाला है। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, यानी कि 6 GB मिनिमम 6 GB रैम तक का आपके पास अगर डिवाइस है, तो इस गेम को एक बार गाइस जरूर से ट्राई करना। यानी कि अगर उससे नीचे का है तो गाइस मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इसको मत ट्राई करना, बिकॉज आपके डिवाइस की बैंड बजा के रख देगी। मेरे डिवाइस में भी अच्छे से नहीं चल रहा है, ये क्रैश हो रहा है। मेरे डिवाइस की इसने बैंड बजा के रख दी है, तो मैं तो गाइस अब जब आप लोग स्पोर्ट दिखाओगे तभी कुछ करूँगा और उसके बाद इस गेम को ट्राई करूँगा। तो गाइस आप अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस है तो गाइस इस गेम को एक बार जरूर से ट्राई करना। लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन में गेम का मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी आपको गेम इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो एक बार इस गेम को जरूर से ट्राई करना। तो गाइस ये आज थी मैंने आपको बता दिया टॉप 5 बेस्ट सर्वाइवल गेम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।